नमस्कार नाजरीन, स्वागत है आपका चुनाव टीवी में। मैं हूँ आपकी मेजबान रिंकू सोमनिया। तो आए नजर डालते हैं आज की खास उर्दू खबरों पे। जिला तरकियाती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा के हमरा एसोसिएटेड अस्पताल मेडिकल कॉलेज डोडा के ओपीडी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पोलियो प्लस प्रोग्राम का आगाज किया। इफ्तिताती तकरीब में मौजूदा दीगर अफसरान में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एएचजीएमसी डोडा, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डोडा के अलावा महकमा सेहत के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौके पर डीसी ने मुतालिका हकाम से बात करते हुए कहा कि 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं और ज़िले में घर घर जाकर इस वैक्सीन के मुतालिक लोगों को आगाह करें ताकि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे से महरूम न रह जाए। तो पेश है डोडा से प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। वो कहाँ गए दूसरी लड़की मार टेनिशी कौन कहाँ रहते हो? चार अभी खाना नहीं निशान मार्च कर लो इनके पेरेंट्स अभी ना इनको वायरस वाटर बॉर्न हमारा कोई केस ऐसा 2013 में लास्ट केस आया सबको लास्ट आज आपका जैसे देखिए पिछले 25 सालों से पल्स पोलियो अभियान चल रहा है और ये सबसे सक्सेसफुल कैंपेन जो हुई है जनथन मेडिकल डिपार्टमेंट की और बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन हुई है। उसी में हर साल हमारा ये एक तीन चार दिन का कैंप होता है। अभी हम यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट बूथ्स हैं, 523 के करीब बूथ बनाए गए हैं और 3 दिन तक चलेगा। ऑर्डिनरली अगर कोई बच्चा फिर भी बच जाता है तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें स्नो बाउंड एरिया में पूरी जो है पॉपुलेशन जो हमारे 70,000 से ऊपर के बच्चे हैं उन सबको रीच आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बच्चा रह जाएगा क्योंकि 100% यूनिवर्सलाइजेशन है। ऑलरेडी इरेडिकेट डिक्लेयर हो चुका है लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर हर साल यहाँ पे कैंपेन होता है ताकि कोई भी नया बच्चा या कोई आने वाली चीज़ किसी तरीके से अगर वायरस इम्प्रेगनेट हो गया है यहाँ पे तो उसको हम नाकाम कर सकें। लोगों को मैसेज यही है क्योंकि एक अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस लोगों को बढ़ी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हर साल पूरे लोग आते हैं, सबको अवेयरनेस है लेकिन उन सभी को जिनके अभी बच्चे नए पैदा हुए हैं 0 से 5 साल के, अभी आपने देखा 1 साल का बच्ची को भी हमने वो दिया था वैक्सीनेशन। तो सभी को यही अपील की जाती है कि यहाँ जहाँ पे बूथ बने हैं वहाँ पर आप आइए और अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स दिलवाइए। जिला रामबन के सदर म्युनिसिपल काउंसिल रामबन सुनीता सुमरिया ने जिला अस्पताल रामबन में CMO डॉक्टर की मौजूदगी में प्लस पोलियो मुहिम का इनेकाद किया। सदर MC ने हिंदुस्तान को पोलियो पाक मुल्क बनाने के लिए हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की। CMO ने बताया कि जिला भर में 435 वैक्सीनेशन बूथ कायम किए गए हैं ताकि 1 से 5 साल के दरमियान 57,000 से ज्यादा हदफशुदा बच्चों को टीका लगाया जा सके। तो पेश है रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देती हूँ जिन्होंने पोलियो को हमारे देश से ख़त्म किया है। हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की हम सबके लिए और ये उनके ही सबब है जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स में बहुत मेहनत की है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ
कि आप सभी पोलियो को दोबारा ना आने दो और अपने बच्चों को दवाई देते रहें। जय हिंद जय भारत। आपने देखा कि 1995 से जो हम ये पल्स पोलियो जो है ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं और हर साल इसके दो राउंड होते थे, तो 2011 से कोई भी केस जो है इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ और 2014 में जो है हमारी कंट्री को जो है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हुई बाय WHO। तो इस वक्त हमारा जो है इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो, लेकिन इसके बावजूद कि हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, वहाँ पर अभी तक पोलियो केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं। उस वजह से हमने जो अपनी मशीनरी को स्टैंड बाय रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टूरिस्ट वगैरह चलते हैं, कंट्री टू कंट्री चलते हैं, तो कहीं हमारी कंट्री में कहीं पोलियो का जो ये सर्कुलेशन ना आ जाए। इस सिलसिले में हमने जो है ये पल्स पोलियो को कैंपेन जो है इसको जारी रखा है। ये 3 दिन के लिए चलेगा। पहले दिन हम बूथ लेवल पर करते हैं और सेकंड और थर्ड जो है वो होस्ट टू होस्ट जो है एक्टिविटी करते हैं। इसमें 0 to 5 years के तमाम बच्चों को जो है पल्स पोलियो की ये डोज दी जाएगी। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर ये आगाज़ किया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से। तो हम DC सर का भी शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसपल्टी जो है प्रेसिडेंट को उससे हमने इनाग्रेट कराया। तो बाकी मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंपेन है इसमें पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया जाए और कोई भी बच्चा जो है 0 to 5 years का नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा रह गया तो वो बाकी बच्चों के लिए और पूरी पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हमारे कोई 53,073 बच्चे हैं, तो वो पूरे फिर 100% जो है वो कवर होना चाहिए। तो हमने 435 जो हैं हमारे जो है बूथ हैं, तो उस हर बूथ में हमारे 4 बंदे हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और कुछ टीचर्स वगैरह को भी हमने लगाया। तो कल से जो है हमारे जो 4 बंदे दो करके मतलब 2 टीमें बन जाएंगी और वो होस्ट टू होस्ट जो है कवर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक की मौजूदगी में जिला हेडक्वार्टर में तजदीदशुदा तहसील दफ्तर का अफ्तताह किया। ये बताया गया है कि काम NFB के सरबराह के तहत किया गया था। इसके अलावा DC ने मुतालिका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को DSEO ऑफिस में जारी काम को भी तेज करने की हदायत दी। बाकी ज़्यादा दफ्तर ऐसे ही होते हैं कि ऐसी कोई नहीं है आपका। डिप्टी कमिश्नर रामन मुसरत इस्लाम ने जिला रामन के गंदेरी इलाके का दौरा किया। गंदेरी इलाके में DC ने रोड सीकिंग साइट का जायजा लिया। आप अपना वो रेडी रखें, ठीक है। तो फिलहाल आपकी वहां पर सप्लाईज और कोई अप्रोच रोड गांधी का है? नहीं, ठीक। आप मेरे साथ शमीम जी इन टच रहिए, अगर आपको कोई सप्लाईज की हो तो हम ट्रांसशिप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ तो कुछ करके अगर कोई सप्लाईज होगी मैं शुआब के साथ भी बात करूंगा और तब तक हम कुछ ट्रांसशिपमेंट दवाइयां वगैरह की जरूरत होगी और जो फूड रिलेटेड आइटम जो है जी हां फूड रिलेटेड मैं आज ही ऑर्डर निकाल दूंगा। थैंक यू सर, वी विल इशू एन ऑर्डर। 2-3 दिनों की बारिशों की वजह से हमारा जो रामबन गांधरी रोड है ये किलोमीटर 7 पे कोई 300 मीटर्स जो है वो कल जो है वो सिंक हो गया। इमीडिएटली जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PWD के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और यहाँ पर एक टीम डिप्यूट की गई टू फिज़िकली सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 300 मीटर्स पे मैसिव डैमेज है, बहुत सारे हमारे जो ग्रीन ट्रीज़ हैं वो भी अपरूट हो चुके हैं
और इमीडिएट डायरेक्शंस हैव बीन कन्वेड कि आप इस रोड की रेस्टोरेशन जो है उसके काम को इमीडिएटली हाथ में लें। और मेरी जो विनोद जी के साथ बात हुई है, उन्होंने हमें अश्योर किया है दैट एज एंड व्हेन वर्क स्टार्ट्स तो हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा मैंने DFO जो हमारे बटोत फॉरेस्ट डिवीज़न के हैं कुलदीप जी, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो अपनी टीम, वैसे उनकी टीम कल यहाँ पर पहली प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के लिए आई है ताकि जो अपरूटेड ट्रीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज आफ्टर दोज ट्रीज़ विच हैव बीन अपरूटेड जब वो रिमूव होंगे तभी हमारा रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। इन द मीन टाइम हमने तहसीलदार रामबन को नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि जो कट ऑफ एरिया हैं गांधरी और जो कब्बी पंचायत है उनकी जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग फूड सप्लाईज रेशन और उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जब तक सड़क रिस्टोर हो ट्रांसशिपमेंट करके उनको वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाएँगे। तो मेरी पिछले दो दिन से हम DDC मेम्बर हमारी जो शमीम जी हैं उनके साथ इन टच हैं और आज हमने यहाँ पर दौरा करके जो है फर्स्ट हैंड अप्रेजल लिया है और सब्जेक्ट टू गुड वेदर कंडीशन, आज वैसे धूप निकली है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक तरफा गाड़ियों के आमद व रफ्त को खोल दिया गया। नगर कोट में लैंडस्लाइड होने की वजह से गाड़ियों को रोक दिया गया था लेकिन सड़क पर मलबा हटा दिया गया और गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई। तो पेश है बानियाल से मैरन वानी की ये रिपोर्ट। ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कम से कम दो तीन से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी स्लाइड्स वगैरह की वजह से जो है NH-44 बंद था, कुछ दो तीन दिन से जो प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर कल दिन को जो है नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक रेस्टोर हो गया था, ट्रैफिक चल पड़ा था लेकिन रात के 2 बजे के करीब जो है मकरपुर के मुकाम पे एक लैंडस्लाइड की वजह से जो है ट्रैफिक बिल्कुल बंद करना पड़ा था। ट्रैफिक इंतजामिया को खासकर जो ट्रैफिक रामबन वगैरह से जो था वो बिल्कुल बंद हुआ था वहाँ पे। तो अभी जो है कुछ टाइम पहले 1 घंटा पहले जो है ट्रैफिक जो है मकरपुर के करीब ट्रैफिक बहाल हो गया है और जम्मू वाली साइड से जितनी भी गाड़ियां जो है खासकर रामबन मकरपुर नासिर के मुकाम पे जो भी गाड़ियां फंसी हुई थी उनको जो है श्रीनगर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी लोगों से जब भी आप जो है NH-44 पे सफ़र करते हैं उस टाइम जो है ट्रैफिक इंतजामिया से जो है आप पहले रब्ता किया करें और उसके बाद जो है घरों से सफ़र करने की कोशिश किया करें। और जितने भी लोग फंस जाते हैं पैसेंजर्स वगैरह जो है फंस जाते हैं तो उस टाइम जो है आप लोग ट्रैफिक इंतजामिया का सपोर्ट किया करें क्योंकि उनकी इसका थोड़ा उसका हाईवे कम्प्लीट हो जाता है तो वह आप लोगों की उनकी जिम्मेवारी होती है आप लोगों को रोकना। ये जो नेशनल हाईवे खासकर रामबन तो बानियाल है इस पर बहुत ज़्यादा जगहों पे प्रॉब्लम्स होती है, शूटिंग स्टोन्स होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है तो उस वजह से ट्रैफिक इंतजामिया आपको रोकता है और उसके बाद जो है आपको तभी जाने की इजाज़त दी जाती है जब NH-44 जो है गाड़ियाँ बिल्कुल चल रही है अच्छे से नॉर्मली जो है गाड़ियाँ चल रही है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो है लैंडस्लाइड फिर से ना हो और अभी जो है ट्रैफिक कंटिन्यू चलता रहे। अभी जितनी भी गाड़ियाँ काजीगुंड वाली साइड से फंसी हुई है उनको भी जल्दी से जो है ट्रैफिक इंतजाम में जाने की इजाज़त देगी जब तक जो है रामबन नाशरी वगैरह जो है जितना भी जाम जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी कल रात से 2 बजे से उनको जब क्लियर कर दिया जाएगा उसके बाद जो है ट्रैफिक। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव TV के साथ। नमस्कार।